नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। देश भर में लगातार रसोई गैस और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिस वजह से आम जनता परेशान नजर आ रही है। देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पेट्रोल 100 के पार है। लगातार 7 दिन से दामों में वृद्धि होने से लोगों की जेब पर काफी असर पड़ रहा है, तो वहीं अब बढ़ती महंगाई के मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर होता हुआ भी नजर आ रहा है। बढ़ती महंगाई को लेकर आम जनता तो त्रस्त है ही, वहीं बैठे बिठाए विपक्ष को भी राजनीति करने का मौका मिल गया है। कांग्रेस हर मुद्दे पर सरकार को घेरती है, वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर भी कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन हैरान करने वाली तस्वीर ये थी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रिया श्रीनेत्र की मेज पर सिलेंडर रखे थे। सिलेंडर रखने की वजह ये थी कि पिछले 10 दिनों से रसोई गैस के दाम में 75 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल का भाव भी लगातार 7वें दिन बढ़ा है। हालात ये हैं कि राजस्थान में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 99 रुपए के पार पहुंच गया है। कई शहरों में पेट्रोल के दाम 100 को पार कर गए हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सरकार पर कुप्रबंधन, मुनाफाखोरी करने और आम लोगों की फिक्र नहीं करने का आरोप लगाया और सवाल किया है कि यूपीए सरकार के समय सिलेंडर लेकर सड़क पर बैठने वाली भाजपा की महिला नेता अब चुप क्यों हैं? उन्होंने दावा किया यूपीए सरकार के समय एक सिलेंडर की कीमत 400 रुपए के करीब थी। उस समय कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से ज्यादा थी, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों को नियंत्रित रखा गया था। अब पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें आसमान छू रही हैं। इस सरकार के कुप्रबंधन के कारण देश को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। वो इतने पर ही नहीं रुकी, उन्होंने कहा, हमारी सरकार से मांग है कि बढ़ी हुई कीमतें वापस ली जाए और उत्पाद शुल्क कम करके लोगों को राहत दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।